आना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे जो स्ट्रेस है, क्या इससे पैरालिसिस भी हो सकता है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर स्ट्रेस की समस्या बढ़ने लगी है, जैसे लोग बोलते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस है, और किसी को पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या अचानक से कोई हैंड की एक्टिविटी रुक जाती है, लेग की एक्टिविटी रुक जाती है, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, देखिए स्ट्रेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में न्यूरोलॉजिकल इश्यूज लाने के लिए। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके अंदर एंजाइटी के सिम्टम, डिप्रेशन के सिम्टम आने शुरू होते हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ें, और आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो अगर आप स्ट्रेस आउट हो तो स्ट्रेस के साथ कई चीज़ें चलती हैं, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम, टेंशन टाइप हेडेक की प्रॉब्लम, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण फ्यूचर में स्ट्रोक के रिस्क, ये हमेशा ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से योगा मेडिटेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि पहले जो होता था स्ट्रोक या चीज़ें ओल्ड एज में होती थी, आज के डेट में वो कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं इमरजेंसी पे जिनकी 40, 45, 35 उम्र है और स्ट्रोक लेके और हार्ट अटैक लेके आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, लाइफस्टाइल प्रॉपर ना होना, और अगेन अल्कोहल स्मोकिंग जो यंग एज की आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें। कि सर ज़्यादा वेट होना भी हमारे दिमाग पे असर डालता है, बुरा असर डालता है? देखिए ज़्यादा अगर वेट है, ज़्यादा वेट शो करता है कि मोस्टली फिज़िकल एक्टिविटी कम है और आप खाना ज़्यादा ले रहे हो आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो ज़्यादा वेट रहेगा तो आपके लिपिड लेवल डीरेंज रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि अगर आपके लिपिड डीरेंज हैं सो वो भी एक स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी इज़ अ रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ओबेसिटी से हमेशा चांस रहता है कि फ्यूचर में स्ट्रोक हो जाएगा, और उसके साथ देखा गया कि जो ओबीज हैं उनके अंदर फिर बाकी हेडेक के सिम्टम, डिप्रेशन के सिम्टम, टेंशन टाइप हेडेक, ये इंसिडेंस फिर भी ज़्यादा होते हैं। सो ओबेसिटी आई थिंक शुड बी कंट्रोल्ड, इसको आप अपने डाइट से, एक्सरसाइज से, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में स्ट्रोक के रिस्क से बच सके। सर क्या कोई टेस्ट भी ऐसे होते हैं कि हम पहले से पता कर सकें कि क्या हमें स्ट्रोक आ सकता है, प्रिवेंटिव मेजर के लिए? प्रिवेंटिव देखिए एज सच नॉर्मली अगर रूटीन आफ्टर एज आफ्टर 40-45 जनरली रूटीन आपको अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर लेवल, ये एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर पे चेक कराना चाहिए। क्योंकि अगर हाइपरटेंशन आपको अगर पहले ही आप डायग्नोस कर लेते हो कि आपको हाइपरटेंशन है, या आपके शुगर डिरेंज है, आपको डायबिटीज़ है, और आप टाइमली उसको डायग्नोस किए और उसका आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों रिस्क फैक्टर हैं, इससे आप पेशेंट को फ्यूचर में स्ट्रोक से बचाते हो। सो प्रिवेंशन के अंदर जो है सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है स्ट्रोक का। तो लिपिड, अपना आप लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये 6 मंथली 1 ईयर पे आफ्टर एज 45-50 के बाद, आपको आफ्टर 40 आई थिंक यू शुड गेट इट डन रेगुलरली, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बेसिक टेस्ट हैं जो स्ट्रोक रिस्क हैं, तो ये टेस्ट आप कराओ ताकि आपको स्ट्रोक, अगर कोई भी हाइपरटेंशन डायबिटीज़ है तो आप टाइमली उसको पता कर लो, टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करो या प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू करो ताकि फ्यूचर में आप स्ट्रोक से बच सको। सर एक और समस्या हम देखते हैं लोगों में, जैसे हमारी आँख का फड़फड़ाना, जो कहते हैं कि आँख फड़फड़ा रही है, और इसको एक सिंबल के तौर पे भी देखा जाता है आम लोगों में कि कुछ बुरा संकेत है, लेकिन इसका सही कारण क्या होता है? देखिए आँख फड़फड़ाने कई तरीके के होते हैं। एक बार होता है किसी पेशेंट को देखेंगे कि उसकी दोनों आँख ऐसे 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 फड़फड़ा रही है, इसको हम बोलते हैं ब्लेफेरोस्पाज्म, कि दोनों आँख का फड़फड़ाना, और वो इतनी फड़फड़ाती है कि ये रोशनी में सनलाइट के एक्सपोजर से टीवी देखते समय वो देख नहीं पाते हैं उस फड़फड़ाने की वजह से। तो इस केस में भी जैसे हमने बोटॉक्स की बात की थी माइग्रेन में, वैसे ही यहाँ पे भी हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट देते हैं ताकि पेशेंट का फड़फड़ाना कम हो। सिमिलरली कई लोग को हेमीफेशियल स्पाज्म होता है, एक साइड का फेस आँख लगातार फड़फड़ा रहा है, सो कई बार वो ब्रेन में हमारी जो 7th नर्व है उसकी कंप्रेशन की वजह से हो जाता है, कई बार हमें कोई कॉज नहीं मिलता है, तो उसके अंदर भी हम बोटॉक्स देते हैं ताकि उसका फड़फड़ाना कम हो। थर्ड है कई बार बेनाइन ट्विचिंग्स भी होते हैं, बेनाइन फेसिकुलेशंस, कि थोड़ा बहुत फेस पे
फड़फड़ाया ठीक हो गया, या थोड़ी आँख फड़फड़ाई ठीक हो गया, जो आप बोल रहे हो दाई आँख या बाई आँख फड़फड़ाना। तो कई बार जो ये अगर आया आके चला गया थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए रहा, तो घबराने की कोई बात नहीं होती है। वो ट्विचिंग जनरली बेनाइन कई बार होती है, बट अगर वो लगातार हो रही है या एक साइड ऑफ द फेस पे हो रही है और वो आपको अपने काम करने में दिक्कत कर रही है और आपको एक सोशल एम्बेरसमेंट फील हो रहा है उसकी वजह से, तो वो एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको फिर ट्रीट करना होता है। लेकिन कभी कभार अगर थोड़ा बहुत फड़फड़ाहट हो गया और वो ठीक हो गया तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती उतनी। लेकिन हाँ, जिनका लगातार फड़फड़ाहट हो रहा है तो उसमें जाँच करना और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि एक साइड स्टार्ट हुआ या थोड़ा है, क्या ये बढ़ भी जाता है? वो डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमने बताया हेमिफेशियल स्पाज़म जो है एक साइड का होता है, कई बार इनिशियली थोड़ा शुरू होता है, बाद में वो बढ़ जाता है। तो उसमें फिर उसका भी परमानेंट ट्रीटमेंट कोई नहीं है, बट आप बोटॉक्स थेरेपी देके 3 से 4 महीने तक पेशेंट को कम्फर्ट देते हैं। सिमिलरली ब्लेफेरोस्पाज़म भी कई बार इनिशियली थोड़ा होता है और समय के साथ बढ़ जाता है, तो आप उसमें बोटॉक्स देके और पेशेंट को एक कम्फर्टेबल लाइफ देते हैं। और हल्के फुल्के कई बार अगर फेसिकुलेशंस हो रहे हैं जो कि कभी हो गया वंस इन अ वाइल और वो ठीक हो गए, तो उनके लिए टेंस रहने के लिए उतनी ज़रूरत नहीं होती।